बदलने का कोई डर नहीं, और सॉफ्ट फ्रेश गुलाबों सी निखरी त्वचा के लिए रोजाना डाबर गुलाबरी। शीतला मैया, अरे ऐसा लड़की तो किसी के घर में कभी पैदा ही नहीं हो। इतना घमंड, इतनी अकड़। अरे इसीलिए हम तुम्हारे वो मुच्छड़ पतिदेव को बोले थे कि एक बार नंदिनी से बात कर लेने दो, लेकिन वो माने ही नहीं। हमारे मन से तूने ऐसा का गलत कर दिया हा? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। चंदन जी, हमारे कहने का ये मतलब थोड़ी ना था। फिर क्या मतलब था? अरे आज तक जो आप नहीं सोचे वो सोनिया के बापू जी ने सोचा। नंदनिया की खुशी उसका रिश्ता कराना चाहा। नंदनिया ने एक ही सेकंड में सब किए धरे पर पानी फेर दिया। अरे हमको लगता है कि वो बहुत बड़े धर्म संकट में है। अरे काहे का धर्म, काहे का संकट? अरे ये रिश्ता हो जाता तो सारा संकट ही मिट जाता। फिर ब्याह करके पत्नी का धर्म निभाती? अरे समझ जी, नंदिनी के लिए बेटी और बहन का धर्म सबसे बड़ा है। ऐसा कहीं होता है जी? अरे सारी दुनिया की लड़की अगर ब्याह ना करे तो दुनिया का धर्म संकट में पड़ जाएगा। अरे समदन जी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। हमरी भी दुई दुई बिटिया हैं समदी जी, अगर हमरी बिटिया ऐसी बात करे ना तो हम उसकी नटाई दबा दे। अरे तुम्हारी बिटियन से हमार नंदिनी ना लाखों में एक है। अरे जाए दो, झूठी तारीफ करके अपन पीठ मत ठोको। ये कुछ मालूम है, इतनी उम्र हो गई है, अरे कौन आएगा उसका हाथ मांगने? अरे बुढ़ापे में ब्याह करेंगे क्या उसका? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे तो पता लगाइए ना। नहीं, इतना दिन हो गए साथ में रहते रहते, अभी तक उसका मन नहीं जान पाए। आपको तो लगता है कौन हो रही बात? और कौन सी बात है? कहीं प्यार दर के चक्कर में तो नहीं है? अरे कोनो लड़के से फंसी वसी तो नहीं है? अरे समधन जी, क्या बकवास कर रही हो? अरे कुछ तो शर्म करो। इसमें शर्म की क्या बात है? अरे हमको तो लगता है वो नंदिनी शर्म लिहाज सब घोर के पी गई है। खुद चैन से जिएगी और लोग दूसरों को जीने देगी। अरे जाओ समधन, तुम ऐसे बतिया रहे हो अपने परिवार अपने पति की तरह है। अरे सब एक ही सुर में बोलते हो क्या? जाओ, तुमसे तो बात ही करना बेकार। तो हम भी आपसे बात करे खातिर मरे नहीं जा रहे हैं। एक से एक बढ़ के हैं सब। देखा तुमने? देखा अपनी बहन को? बहुत दूर की सोचती है वो। हम सब उसके बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। दीदी सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस घर के बारे में सोच रही है। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो सिर्फ इस घर के बारे में सोच रही है, इसे हड़पने के बारे में सोच रही है। वरना कोई लड़की अपनी शादी के लिए मना करती है क्या? अरे उन्होंने शादी के लिए इनकार इसलिए किया होगा क्योंकि क्योंकि शायद उन्हें लड़का पसंद नहीं होगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें मेरे पापा पे विश्वास नहीं है? अरे अगर वो कोई रिश्ता लेकर आया तो अच्छा ही होगा ना। अगर उनके सुझाए रिश्ते को मैंने अपनाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? मैं अब तक पछता नहीं रही थी लेकिन अब पछता रही हूँ। सच्चाई भी तो अब खुलकर आ रही है। क्या सच्चाई खुलने लगी है सोनिया? यही कि तुम्हारी बहन के संस्कार में है ही नहीं बड़ों का सम्मान करना। वरना मेरे पापा को क्या गरज पड़ी थी कि तुम्हारी बहन की दूसरी शादी के बारे में सोचते? तो उनको सोचने की जरूरत ही क्या थी नंदिनी के बारे में? वेरी गुड सागर, अब तो तुमने वो बात कर दी कि नेकी करो दरिया में डाल। एक तो मेरे पापा ने तुम्हारी बहन के बारे में सोचा, उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचा, जो इस घर के हेड तुम्हारे मामा को सोचना चाहिए था। अरे मीनू, तू? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, अंदर आ। पर तू इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? बस कुछ नहीं दीदी, आज आपके लिए और पंकज के लिए जलेबियां लेकर आई हूँ। वो पंकज को बहुत पसंद है ना यहाँ की जलेबियाँ, स्पेशली नेत्राओं की, तो मैंने सोचा ले आती। चल बैठ। वैसे मीनू, तुझे मेरी इतनी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रही हूँ, वो तो बस मैं ऐसे ही ले आई। चुप कर, इन जलेबियों की तरह गोल गोल बातें मत बना। मैं खूब जानती हूँ तेरे दिल का हाल। अगर आप सब समझती हैं तो बार बार पूछ के मुझे छेड़ती क्यों है? क्योंकि तुझे छेड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और वैसे भी तुझसे जिंदगी भर छेड़ने का रिश्ता जो बनाने वाली हूँ मैं, बहुत जल्द। क्या मतलब? पगली कहीं की, बेवकूफ है। अच्छा एक बात तो बता, तेरी पंकज से कल क्या बात हुई? कुछ खास नहीं दीदी, पंकज ने अपनी जिंदगी में कुछ दायरे बना लिए जिनमें वो रहना चाहते हैं, और वहां मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसे कैसे जगह नहीं है, मैं हूं ना उस दायरे में सेंध लगाने के लिए। मीनू मैं बना रही हूं ना तेरे लिए जगह। सच दीदी? हाँ बिल्कुल सच, मैंने तो तेरे लिए बात भी कर रखी है। क्या बात हुई आपकी पंकज से? बस अब तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात करा के रहूंगी। ओके तो 2 मिनट बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। जलेबियाँ ले जाओ। भगत जी कहा सोच रहे हो? ये भगत जी हमका तो लागा थे जो नंदनी है ना वो ही घर के संपत्ति हड़पे चाहत है, तभी तो शादी के खिलाफत कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कौन सी बात है ये बताओ, उकरे अंदर कौन कमी है का? अरे हमारी नंदनी को दोष मत दो, समझे कि नहीं? वो तो अपने भाई की भलाई करना चाहती है। भाई की कौन सी भलाई चाहते हैं? तनी हमाओ तो सुने, हमाओ की बताओ। तुम सबको यहाँ से भगा के, और तुमको भी यही सलाह देंगे, अगर तुम अपनी बिटिया को सुखी देखना चाहते हो तो उसे इस ससुराल में छोड़ दो और तुम सब रास्ता नापो। अरे गजब हो गजब, बड़ी बढ़िया सलाह दे रहे हो हैं? हम लोग अपनी बिटिया को यहाँ छोड़ कर चले जाएं ताकि अकेले पाए कि हमारी बिटिया पर तुम अत्याचार करो हैं? बड़ी बढ़िया सलाह दिए हो तुम तो। अरे क्राहे बाप का नाम बदनाम कर रहे हो। अरे अत्याचार तो तुम कर रहे हो अपनी बिटिया पे, हैं? जो पति पत्नी के बीच में रोड़ा बन के बैठे हो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो भगत जी, हमारी बिटिया की जिंदगी हमारे साथ जुड़ी है। थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हम लोग जाना भी चाहे ना तो सागर के कर्जा चुके बिना हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? कितना कितना कर्जा खाया है सागर ने? ये हिसाब है, तुम अपन ये विष्णु भगवान और खेती बाड़ी बेच देवो ना तबो ना पूरा हुई। अरे साफ काहे नहीं कहते कि मरते दम तक तुम सागर का पिंड नहीं छोड़ने वाले? अरे तुमको तो ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुमका जौन कहना है ना कहो, जौन इज्जत के दुहाई देना शर्म लिहाज की बात करना है कह लो, हमारी सेहत पे कौनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। हाँ, समझ में तो आई गवा है, हैं? तभी तुम नंदनी की शादी का प्लान बनाए रहे, इसको हम यहाँ से विदा कर दें फिर तुम इस घर पे कब्जा कर लो। हैं? बड़ी देर में समझ में आई तुम्हारी बात? अरे समझ गए थे हम, पहले ही समझ गए थे, लेकिन सोचे कि नंदनी की शादी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो काहे ने समझा पाओ नंदनिया के, हैं? तुम्हारी अकल का घास चले गए नहीं ससुर? एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, बुढ़ौती में तुम्हारे नंदनिया के कौनो एक गिलास पानी तक देने वाला नहीं होगा। अरे तुम चिंता मत करो उसकी, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, तुमको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अरे देते रहो तुम किस्मत के दुहाई ससुर, किस्मत के दुहाई दे रहे हैं। एक बात बताई, तुम्हारा तो वही निहाद है, न जिएंगे और न जीने देंगे। सुनो हमारे एक बात, तुम अगर कहो ना तो हम एक बार लड़का वाले से फिर बात चलाओ की कोशिश करें। कोनो जरूरत नहीं है बात करने की, अब तुम लोग यहाँ से जाने की सोचो, फिर हम नंदनी का ब्याह भी कर देंगे और उसको यहाँ से विदा भी कर देंगे। लेकिन जो तुम लोगों ने यहाँ गंदगी फैला रखी है ना, पहले वो तो साफ हो जाने दो। अरे तुम कोनो मुगालते में हो का, हैं? अफीम खाए के बैठे हो? तुमका एक तो सलाह हम दे रहे हैं कि तुम वो नंदनिया को लेके कोनो तीर्थ यात्रा में चले जाओ, भैया तुम्हारो सुखी और हमारो सुखी, समझे हो? जय राम जी की।
इतनी सुबह सुबह आज? वो एक्चुअली मैं दीदी से मिलने आई थी तो सोचा तुम्हें भी हाय हेलो बोल देती हूँ। बिल्कुल ठीक सोचा है ना। ऐसे एक बात है मीनू कि आजकल दीदी का बहाना लेकर तुम बहुत कुछ करने लगी हो, राइट? वेल पंकज, जब लोगों को डायरेक्टली कोई बात समझ नहीं आती है तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ता है ना उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तुमने अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत ही सॉलिड माध्यम चुना है, दीदी का। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मतलब मैं दीदी से मिलने चली आई? नहीं नहीं, ये तुम्हारा और दीदी का मैटर है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? बात तो बोलो। अगर रोज मिलना मुश्किल है तो हफ्ते में एक बार तो टाइम निकाल ही सकते हो ना मेरे लिए? वजह तो सिर्फ यही है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और तुमसे बात करने के लिए और किसी तरह टाइम कट जाए बस। मीनू, बात करना तो ठीक है, यू नो नई नई पोस्टिंग है, इतना टाइम मिल नहीं पाता है, थोड़े से बिजी रहता हूँ और चीज़ों को सेटल करने में थोड़ी इसके। आप तो ऐसे बातें करें जैसे कुछ जानते ही नहीं। अभी तक इस घर को संभाला किसने? अरे सब जानता हूँ, हर एक बात जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में और कोई बात ही नहीं है क्या? कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई? मामा जी, इन सारी बातों को करके क्या फायदा है? देखिए, मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, उसे तो टाला नहीं जा सकता ना। बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर तकदीर की बात कर रही हो? अरे तुम चाहो तो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख सकती हो। मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सच तो यही है कि ये मेरा पीहर है और अपने पीहर को संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने पीहर के लिए अपनी जान दे दो, मर मिटो। मामा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर की खुशियों में ही तो मेरी खुशियाँ हैं। इस घर की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियाँ स्वाहा कर दोगी क्या? ऐसा कुछ नहीं। अरे क्या ऐसा नहीं है? हाँ, तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? हाँ, क्या नहीं कर रही हो तुम? इस घर में रह के तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अरे तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? तुम्हारा अपना कोई सपना नहीं है? लो, तुम्हें खाओ ये बासी पकौड़ा। अरे रिश्ता पक्का हो जाएगा तो बड़ी मेहनत से बनाए थे, अब ये तो अपने नसीब को कोस रहे होंगे। हाँ, जरूर कोस रहे होंगे, काहे कि जो तुम्हारे हाथ में पड़ गए हैं। अरे तुमको हमसे कोई परेशानी है का? काहे चिड़े हुए रहते हो? हमका तुमसे कोनो परेशानी है, कोनो चिड़ नहीं है। हमार जो चिड़ ई बात के है कि तुम ऐसे बैठी रहत है। अरे तुम्हो तनी अपन दिमाग लगाओ, जुगत भिड़ाओ कि कैसे नंदनिया के घर से बाहर निकाला जाए। लो, हम काहे अपना दिमाग लगाएंगे? अरे आप जो है अपना 36 दिमाग लगाने के लिए। अरे हम 36 ने 72 दिमाग लगा के देख लिए, लेकिन बात ससुर वहीं के वहीं है, कुछ आगे नहीं पड़ रही है। ये बात तो आप एकदम ही सही कह रहे हैं। एक तो वकील बुला रहे तो वो में दामाद जी अड़ंगा लगा दिए। दामाद जी कौन अड़ंगा लगा दिए थे? तो पगला आएगा, वकील के डांट के भगा दे, कहा लगा सब चीज जो है ना बातचीत से ठीक हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, पर वो पागल साबित कर देने वाली बात ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन आइडिया तो यह बहुत बढ़िया रहा, ओकर नंदनिया के दूसरी शादी करावे वाला। पर उमे तो मोहन बाबू की बीवी है ना, वही बिदक गई। अरे बिदकी नहीं तो मान बिद गई ना।
लेकिन नंदनिया बीच में टपक पड़ी, उन लोगों के डांट के भगा दिस। आपसे वो मोहन बाबू ने कुछ कहा था का? अरे उस ससुर का कहेंगे, उनका तो हम बोलती बंद कर दिए। ये ससुरी नंदनिया जो है ना, ये हमरे हत्ते में चढ़ रही है, लेकिन हम अपन सारा चौवा चला के देख लिए, लेकिन हमारा एको चौवा काम नहीं कर रहा है। अरे हमारा सारा प्लान फेल हो गया, लेकिन तो बात बने वाली नहीं है। गहना गुड़िया सब जो है ना बक्सा में रखो, अब बस कटोरा लेके भीख मांगे के तैयारी शुरू कर दो बस। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, सुब सुब बोलिए ना शीतला मैया, कुछ करो। पीहर 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 अब आप भी पास